गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग सर, आई एम आल्सो फाइन बेटा. वेलकम यू ऑल इन दिस लर्निंग सेशन. यस सर. दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग रीडर्स राइट सेक्शन बिकॉज other section already we have done on in book B, only comprehension section is remaining and reader's write section in the in book C there is a comprehension section that is remaining and in this book B only reader's write section is remaining. Apart from these, is there anything remaining? If is there anything remaining, let me know please. Sir, skill on track. Yes sir. इसके अलावा और कुछ नहीं बचा ना. इज देर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? इज देर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? Sir, Vistal Abbey. Vistal Abbey, where is this? Beta, sir, after... This is the section of beta. आप ये grammar station आपका नया section है. Grammar station already हो चुका है ना. इसी तरीके से ये Vistal Abbey आपका ये skills on track और ये तीनों आपका जो readers ride है ये तीनों एक साथ ही cover होगा. Don't worry. अगर हो सकता है section में एक class में ना हो करके दो class में complete हो, but ये तीनों एक साथ ही होगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द राइट सेक्शन. एज वी सॉ सो शैल वी रीड. ये एक ऐसी एक तरीके से स्टोरी है जो शायद आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हो, शायद आप इसके पहले पढ़ चुके हो. यस सर. अ कोरियन फॉकटेल, जो आप इस कोरियन फॉकटेल का जो नाम दिया गया है, जो टाइटल है, दैट द टाइटल इज एज वी सॉ सो शैल वी रीप. सो मींस क्या होता है पता है सर? सर, यस सर. बुना क्या? बुना. हाँ, बहुत ज्यादा स्टोरी है, जिसको भी आए तो बता दिया करिए. कई सारे बच्चे बोलते ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा उनके लिए. रीप मींस काटना, यानी जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे. बहुत अलग अलग लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना होगा इसकी हिंदी. yes, कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे. सेम उसी पे बेस्ड वही सेम आपका इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया. एज वी सो सो शैल वी रीप, जैसा हम बोते हैं सो शैल वी रीप वैसा ही हम काटेंगे भी. ओके okay? yes, स्टोरी पे आते हैं. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, there lived two brothers with their father in a small house in Korea. यानी कोरिया में, कोरिया के एक small house में, एक छोटे से घर में, they lived two brothers with their father. अपने पिता के साथ दो भाई रहते थे. It was a custom in Korea. Custom means आपको already बताया गया है, the lantern and the fan वाले chapter में. क्या होता है? What does it mean? रीति रिवाज. रीति रिवाज. रीति रिवाज. Okay, good. See what? Sir, a Japanese folktale. Bita Shanuka, it's a Korean folktale, okay? Japanese folktale already we have studied in the chapter number 7. Uski word meaning type bhi ho chuki hai, main base bhi dunga. Kai din, kai baar bola gaya, bas aapka last page pe hai, I'll show you all. Don't worry. Aap log ko vishwas ho jayega. A long time ago, there lived two brothers with their father in a small house in Korea. Bahut samay pehle, दो भाई अपने पिता के साथ दो भाई रहते थे. कहाँ पे? इन कोरिया, इन स्मॉल हाउस, कोरिया के किसी एक छोटे से घर में. इट वाज ए कस्टम इन कोरिया दोस डेज, उन दिनों कोरिया में एक रीति रिवाज था, एक कस्टम था, दैट द एल्डेस्ट सन वुड इनहेरिट द फैमिली प्रॉपर्टी. ये इनहेरिट मींस होता है एक तरीके से कह सकते हैं आप, हम लोग के गाँव में बोला जाता है पूर्वजों से जो चीजें मिलती है, पैतृक संपत्ति. पैतृक संपत्ति या नहीं तो कई बार आप कहते हैं ना कि लेट्स से, ठीक है, इनहेरिट मींस पैतृक संपत्ति, आप समझिए.
इन कोरिया के उन दिनों कोरिया में एक तरीके से रीति रिवाज था कि जो घर का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो उस फैमिली की जो भी पूरी प्रॉपर्टीज होगा उसको इनहेरिट करेगा, यानी उसको उसका मालिक वही बनेगा, उसको ही मतलब उस पैतृक संपत्ति पे अधिकार उसी को मिलेगा, उसको पैतृक संपत्ति उसके उस घर के उस फैमिली के सबसे बड़े बेटे को मिलेगा। सो द अब दो भाई रहते थे जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका है, देयर आर टू ब्रदर्स लिव्ड विद द फादर, तो अभी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऐसे ही तो होगा। यस सर। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। सो द एल्डर ब्रदर वॉज एरोगेंट एंड प्राउड, दैट मीन्स कि जो बड़ा लड़का था, जो बड़ा बेटा था, जो बड़ा भाई था, सो द एल्डर ब्रदर वॉज एरोगेंट एंड प्राउड, जो बड़ा भाई था वो बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही घमंडी टाइप का हो गया था, और बहुत ही एरोगेंट यानी अक्खड़ स्वभाव का हो गया था, घमंडी टाइप का हो गया था। He scorned his younger brother and ignored his aging father. He scorned his younger brother. Scorn means एक तरीके से किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना। He scorned his younger brother. वो बात-बात पे यानी हर समय वो अपने छोटे भाई younger brother को scorn करता था, यानी रत्न को अपमानित करता था। And ignored his aging father. अपने aging father यानी वृद्ध पिता, यानी बूढ़े होते हुए पिता को ignore करता था, ignore किया। The younger brother was hardworking and kind to everyone. जो younger brother था, he was very hardworking. वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था. And kind to everyone, लोगों से बहुत ही सद्भाव के साथ पेश आता था, लोगों की respect करता था. He was very kind-hearted. वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत ही दयालु था एक तरीके से. Every night after super. ये super means क्या होता है? सुपर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन आप सभी को पता है, बहुत अच्छे। एवरी नाइट आफ्टर सुपर, हर रात खाने के बाद, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात को, आफ्टर सुपर रात के खाने के बाद, द फादर उसे जो फादर है वो कहता था, क्या कहता था? रिमेंबर माय सन्स, मेरे बच्चे ध्यान रखियो, मेरे बच्चे ध्यान रखना। व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो आप बोगे सो शैल यू रीप, वही आप काटोगे। द यंगर सन वुड नॉड, जो यंगर सन था यानी जो छोटा लड़का था, वुड नॉड, नॉड मीन्स एक तरीके से मूविंग हिज नेक, मूविंग द हेड एज एन एक्सेप्टेंस, यानी हम एक तरीके से प्रत्युत्तर देना, हम पुकारी भरना। द यंगर सन वुड नॉड फॉर ही लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिज फादर, अपने पिता को वो बहुत ही प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था। ऐसे में वो जब पिता उसका ये बोलता था कि व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप, तो वो अपना एक तरीके से एक्सेप्टेंस में अपने गर्दन को हिलाता। बट द एल्डर सन वुड प्रिटेंड टू बी एस्लीप, जो लेकिन बड़ा लड़का था, एल्डर सन था, वो क्या करता था? सोने का नाटक करता रहता। प्रेटेंड मींस नाटक करता। यस सोना। यस दिस वुड मेक द फादर सैड बट ही नेवर सैड एनीथिंग, और ये क्या करता था? दिस वुड मेक द फादर सैड, और ऐसा करना बड़े बेटे के द्वारा ऐसा करने से जो फादर था वो फादर को कहीं ना कहीं और भी दुखी बना देता था। बट ही नेवर सैड एनीथिंग, लेकिन फिर भी उसने यानी फादर ने कुछ कहा नहीं। समझ में आया बेटा? अभी स्टोरी को समझाया जा रहा है निहाई का। ये स्टोरी में कुछ है नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है कि मैं पूछूंगा। इसमें आपको हर वर्ड्स का मीनिंग ही आपको मेमोराइज करना है। इसका वर्ड मीनिंग भी मैं नहीं जा रहा हूँ शेयर करने, डोंट वरी। आप सुन करके कथा की तरह खत्म कर दो, जिस तरह इधर उधर आप देख रही हो ना, खत्म हो जाएगा अभी 30 मिनट में। आपको इसमें से कई सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगी, किस सेंटेंस का किस तरीके से अर्थ निकाला जाता है यही नहीं पता रहेगा। अगर आप ऐसे ध्यान दोगे तो कई सारे बच्चे जो अभी 5th में पहुंच करके किसी सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाते हैं, इसी तरीके से बिहेव किए रहते हैं 3rd 4th 5th में, इसी तरीके से पढ़ाई किए रहते हैं, तभी जाके 5th 6th में जाकर के सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाते। आप उसी तरीके से एक्ट कर रही हो। जब आपको यहाँ पे पैराग्राफ एक्सप्लेन किया जा रहा है, पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है, तब आप इधर उधर देख रही हो, क्या मतलब है? ध्यान से केवल सुनना है, सुन लोगे समझ लोगे तो शायद वो आपके काम में आएगा।
चलो ठीक है, फिलहाल स्टोरी बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। On his deathbed, जब वो मृत्युशैया थे, deathbed एक तरीके से मृत्युशैया यानी बिल्कुल मृत्यु के कगार पे थे, कौन उनके फादर। On his deathbed, the father called two brothers, दोनों भाइयों को फादर ने बुलाया जब वो बिल्कुल डेथ के करीब थे और कहा, क्या कहा, Remember what I have told you, my sons, मेरे बच्चे, जो मैंने आपसे बोला है उस चीज को ध्यान रखो, share this property and work together, इस प्रॉपर्टी को बांट लो और एक साथ काम करो, मिलकर के काम करो। आई लीव दिस लैंड टू बोथ ऑफ यू, मैं ये घर, मैं ये जमीन, ये लैंड छोड़ के जा रहा हूँ। आई लीव दिस लैंड टू बोथ ऑफ यू, हम दोनों ये लैंड जो है हम दोनों, आप तुम दोनों के सारे छोड़ रहे हैं, तुम दोनों को दे रहे हैं, तुम दोनों को छोड़ रहे हैं। द एल्डर ब्रदर वॉज फ्यूरियस, ये फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, गंभीर बेटा, फ्यूरियस का अलग अलग जगह पे सेंटेंस हो मीनिंग निकलता है, चले ठीक है। द एल्डर ब्रदर वाज फ्यूरियस, ये थोड़ा सा जो बड़ा भाई था वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चालाक किस्म का था, मतलब गुस्सैल किस्म का था। फिलहाल उसने कुछ किया नहीं, एज सून एज द फर्नल वाज ओवर, जैसे ही ये फर्नल यानी जो आपका उसका दाह संस्कार है, जैसे फादर का दाह संस्कार ओवर हुआ, खत्म हुआ, ही थ्रू द यंगर ब्रदर आउट ऑफ द होम, वो अपने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। थ्री मतलब फेंकना नहीं, थ्री मतलब बाहर निकालना, यहाँ पे होगा जबरदस्ती। ये थ्री द यंगर ब्रदर आउट ऑफ द होम, वो अपने छोटे भाई को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इग्नोरिंग देयर डाइंग फादर, फादर्स लास्ट विश, अपने मरते हुए पिता के लास्ट विश को भी इग्नोर करते हुए उसने अपने छोटे भाई को घर से बाहर फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया। ओके, The younger brother was heartbroken, जो छोटा भाई था वो एक तरीके से वो बहुत ही दुखी हो गया, उसका दिल टूट गया। He left the village and worked for many miles. He left the village, उसने गांव को छोड़ दिया, and worked for many miles, और बहुत ही मीलों तक चलता गया। Until he came across a barren stretch, जब तक उसको एक ऐसी जगह नहीं मिल जाती, that is a barren stretch, इसका मतलब क्या हुआ, barren stretch, सर जहाँ पे कोई फसल ना उगाया जाता हो, जहाँ पे कोई भी फसल ना उगाया जा सके, जहां पे कोई भी फसल ना उगाया सके, यानी एक तरीके से यूजलेस लैंड, दैट नोबडी वांटेड, जिसे कोई भी नहीं चाहता था। He built himself a mud cottage, वो अपने लिए mud cottage, cottage क्या होता है, घर, क्या होता है cottage, सर झोपड़ी, झोपड़ी क्या कह सकते हैं। He built himself a mud cottage, वो अपने मड मानी कीचड़, यानी कीचड़ से बना हुआ अपने लिए कुटिया बनाया, एक घर बनाया छोटा सा, दैट विद द डर्टी स्ट्रॉ दैट ड्रॉप्ड फ्रॉम पासिंग कार्ट्स, टेंडेड टू द लैंड एंड कल्टीवेटेड राइस। क्या होता है, ही बिल्ट हिमसेल्फ अ मड कॉटेज दैट अटैच्ड, ये दैट अटैच्ड मींस क्या होगा बेटा, जैसे घास फूस होता है, पता है ना, गंदे एक तरीके से बांस के जो मड कॉटेज यानी कीचड़ से बना हुआ, घास फूस से बना हुआ, दैट इज स्ट्रॉ से बना हुआ, उसने क्या किया, एक छोटा सा कुटिया बनाया, दैट ड्रॉप फ्रॉम पासिंग कार्ट, टेंडेड टू द लैंड and cultivated rice, और ऐसे में क्या हुआ, उस वहां पे उसने राइस के लिए कल्टीवेट किया, कल्टीवेट मींस क्या होगा, फसल उगाना, वहां पे चावल की खेती किया उसने, और उसने कहीं ना कहीं चावल उगाया। slowly through much hard work, धीमे धीमे बहुत सारे मेहनत के बाद, he managed to make enough money to build a small house, वो चावल उगाया, बहुत मेहनत किया, और स्लोली धीमे धीमे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, ही मैनेज टू मेक इनफ मनी, उसने क्या मैनेज किया, बहुत सारे पैसे बनाने मैनेज किया, यानी किसी तरीके से बहुत सारे पैसे बनाया और एक छोटा सा घर खरीदा। ही गॉट मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन, फिर उसने शादी कर लिया और उसके बच्चे भी हुए। इयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, अ सवेयर ड्रॉट रियून द यंगर ब्रदर्स, ये सवेयर मीन्स क्या होता है, ड्रॉट में सूखा, बहुत ही गंभीर, मतलब सवेर, बहुत ही भीषण सूखा पड़ा,
बहुत ही गंभीर सूखा पड़ा और रियून द यंगस्ट ब्रदर्स फॉर्म, जो यंगर ब्रदर जो छोटा भाई जो ये फार्मर आया था जो कि यूजलेस आपका लैंड था उसको जो एक तरीके से फार्म के रूप में परिवर्तित कर दिया था उसके पूरे फार्म को वो कहीं ना कहीं रियून कर दिया, नहीं खराब कर दिया। देर वॉज नथिंग टू इट और उसके पास कुछ भी खाने के लिए भी नहीं बचा। He would hear his wife and children moaning with hunger at night. और रात को he would hear the wife and children moaning, यानी एक तरीके से कराहने अपने बच्चों की और अपने वाइफ की एक तरीके से भूख के मारे जब कराह रहे होते हैं तो वो रात भर सुनता बेचारा, उसके पास इतना कुछ भी नहीं खाने के लिए था। And it broke his head, और ऐसा सुनना ऐसा सहन करना वो कहीं ना कहीं उसके दिल को तोड़ देता था, बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाता था उसके लिए। He decided to ask his wealthy brother for help. उसने निश्चय किया उसने क्या निश्चय किया? He decided to ask his wealthy brother for help. उसने अपने जो wealthy brother था यानी जो धनवान भाई था उससे help लेने के लिए उसने निश्चय किया, decide किया। जब वो गया तो उसका elder brother ने क्या react किया? It is that in this line. It is my land now. ये मेरी ज़मीन है अभी। The elder brother boasted with a cruel laugh. जो elder brother ने क्या किया? बहुत ही दूसरे तरीके से बहुत ही cruel laugh है, नहीं बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मतलब बहुत जो younger brother के ऊपर हंसते हुए उसके मतलब एक तरीके से कहा it is my land. एक तरीके से दावा किया कि अब ये मेरी संपत्ति हो गई है। Go away, he said, shaming the door on his brother's face. और ऐसा कहते हुए वो उसको बाहर कर दिया। Go away, यहाँ से दूर जाइए। Posted में से एक तरीके से दावा करना। It's my land now. ये कहीं ना कहीं दावा कर रहा था, क्योंकि ऐसा वहाँ पे रीति ही थी। Okay? तो बहुत ही निर्दयी तरीके से उसने बोला, बहुत ही निर्दयता के साथ उसने बोला, गो अवे यहाँ से जाइए। ही सैड स्लैमिंग द डोर ऑन हिज ब्रदर्स फेस, अपने भाई के फेस पे दरवाजा बंद करते हुए। स्लैम मींस एक तरह ना, स्लैम मींस एक तरीके से थप्पड़ मारना कह सकते हैं, बट यहाँ थप्पड़ तो नहीं मारा गया, स्लैमिंग द डोर यानी डोर को अचानक बंद किया ऑन हिज ब्रदर्स फेस। ओके, द यंगर ब्रदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, छोटे भाई को अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि what to do, करना क्या चाहिए। As he was leaving the village, जैसे ही वह घर वो गांव छोड़ रहा था, he heard a shrill cry from a tree. उसने क्या सुना? एक छोटी सी चिड़िया का मतलब कहने के रोना सुनाई पड़ा। ठीक है, shrill means क्या होता है? एक तरीके से परेशान या दर्द के मारा या डर के मारा जो रोना होता है उसको एक तरीके से श्रिल क्राई। He heard a shrill cry from a tree. A snake was attacking a baby swallow. एक वो स्नैक क्या था? He was attacking a baby swallow. इस दो एक चिड़िया की यानी किसी एक बर्ड्स के जो बेबी उसके बच्चे को अटैक कर रहा था एक स्नैक, तो ऐसे में वही डर के मारा रो रही थी यानी निगल। The tiny bird was flapping its wing. जो tiny bird था, ये जो छोटा जो उसका बच्चा था, जो bird का जो baby था, बहुत ही छोटा bird, एक तरीके से tiny bird किस से यहाँ पे indicate किया गया है। Tiny bird was flapping its wing. Tiny bird था, वो अपने wings को कहीं ना कहीं फड़फड़ा रहा था, trying to escape, बाहर बाहर मतलब छूटने के लिए, वो एक तरीके से जो snake था उसको निगलना चाह रहा था, attack किया था निगलने के लिए। तो tiny bird कहीं ना कहीं उस फ्लैप कर रहा था यानी कहीं से वो अपने पंख को फड़फड़ा रहा था वहां से छूटने के लिए उस स्नैक के जाल से, स्नैक के हाथों से। बट इट वॉज टू यंग टू फ्लाई प्रॉपरली, लेकिन वो बहुत ही अभी बहुत ही छोटा था सो जिससे वो प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर सकता था, प्रॉपरली उड़ नहीं सकता था। इट मैनेज टू फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट बट फेल टू द ग्राउंड, ऐसे में क्या हुआ वो मैनेज तो कर सका किसी तरीके से आउट ऑफ द नेस्ट से यानी घोंसला से, वो मैनेज तो उड़ तो लिया लेकिन वो उड़ नहीं सका। He fell to the ground, नीचे जमीन पे गिर गया। The younger brother ran to the helpless bird, जो younger brother था, वो जल्दी से दौड़ के गया helpless bird के पास, उस छोटी सी चिड़िया के पास दौड़ते हुए गया and picked it up, और उसको ऊपर उसको उठाया। He saw that one of its legs were broken, और उसने देखा कि जो चिड़िया की एक पैर कहीं टूट गई थी। So he tore a strip of clothes from his shirt, अपने शर्ट से एक स्ट्रिप का मतलब जो कपड़े का स्ट्रिप है उसको फाड़ा
एंड बैंडेज द सॉलोस लेग, और जो उसका निगला हुआ एक तरीके से, जो फूला हुआ एक तरीके से पैर था उसको बैंडेज किया, यानी जो टूटा हुआ था या जिसपे चोट आई थी, जो फूला हुआ पैर था. When the snake slides away, when the snakes slide away, बेटा स्लाइड नहीं यहाँ पे स्लिड होगा. When the snake slid away, slid away मतलब जब वो स्नैक जो है थोड़ा दूर गया. He put the babies back to its nest. तब उसने जाकर के उस चिड़िया के बच्चे को उसके नेस्ट में दोबारा रख दिया. And went home to his starving family. और फिर अपनी फैमिली के पास गया, अपने घर गया. ये स्टार्विंग मतलब एक तरीके से भूख से परेशान होना, भूख से मरने. एक होता है थर्स्टी मतलब प्यासा, हंग्री मतलब भूखा, बट स्टार्विंग मतलब भूख से मरना, यानी भूख से तड़प रहे फैमिली के साथ, फैमिली के पास वो अपने घर गया वापस. द नेक्स्ट फ्यू वीक वर हार्ड. अगले जो दो चार सप्ताह थे, जो कुछ सप्ताह थे वो बहुत ही कठिन थे. He gave every spare scrap of food to his children. He gave every spare scrap, यानी कहीं पे भी कुछ भी मिलता उसको, कहीं पे भी कुछ भी मिलता तो वो अपने बच्चों को देता था खाने की कोई भी चीजें. अगर आपको टुकड़ा भी मिल जाए, थोड़ा भी खाना मिल जाए, he used to give to his children who were so thin that he could count their ribs. वो इतना ज्यादा पतला था कि वो अपने रिप्स पे काउंट कर सकता. रिप्स मीन्स क्या होता है, अपने पसलियों को. वो इतना ज्यादा पतला हो गया था जो छोटा भाई था कि अपने रिप केज, उसी रिप केज का यही रिप्स है. ठीक है, रिप्स से मिलकर के रिप केज बना होता है, तो अपने रिप्स को वो काउंट कर सकता था, इतना ज्यादा दुबला हो गया था. बट इट वॉज फार फ्रॉम सफिशियंट, लेकिन जो भी उसको खाना मिलता था, भोजन मिलता था, ये सफिशियंट मतलब एक पर्याप्त मात्रा से बहुत दूर था. इट इज फार फ्रॉम सफिशियंट, ये सफिशियंट से कहीं ज्यादा दूर था. एक दिन होता क्या है, वन डे अ टाइनी सोलो फ्लू टू देयर हाउस. एक दिन होता क्या है, एक छोटा सा बर्ड्स उस मतलब उड़ के आता है उसके घर पे. वन डे टाइनी सोलो फ्लो टू देयर हाउस, एक छोटा सा बर्ड है. इट फ्लू टू देयर हाउस एंड अलाइटेड ऑन द रूफ, और क्या करता है, उसके रूफ पे बैठता है. अलाइटेड मीन्स क्या हुआ, एक तरीके से उसके अलाइटेड मीन्स एक तरीके से उत्तर, या उसके रूफ पे एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बैठता है. ठीक है, इट वॉज द बेबी सोलो द यंगर ब्रदर हैड रेस्क्यूड. ये वही बेबी था जब ये मतलब जो ये चिड़िया आके बैठी थी, इट वॉज द जो चिड़िया आके बैठी थी, ये वही था जिसको जो यंगर ब्रदर ने कहीं ना कहीं रेस्क्यू किया था, उसको बचाया था. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. रेस्क्यू मीन्स बचाना. सब अमन रुचि सभी को आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. आवाज आ रही है. ठीक है ठीक है, किसी एक को नहीं जा रही है. तो दैट मींस कि दे आर हैविंग देयर नेटवर्क इशू. थोड़ा सा बड़ा स्टोरी है, इस वजह से मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, किसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्टोरी, आप लोग पढ़ते तो आप लोग भी इसका मतलब समझ जाते, आई होप. बट फिलहाल चलिए ठीक है, पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं. सर नहीं आ रही है आवाज. सर आ रही है. ठीक है कोई बात नहीं सर, आ रही है. ओके ठीक है, नाउ कीप क्वाइट एवरीवन. अब जो बोलेगा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको बोलने देना, डोंट वरी. ये मतलब जो चिड़िया आकर के बैठती थी उसके रूफ पे, जो जो यंगर ब्रदर था, द रूफ ऑफ द हिज हाउस, द वर्ड्स वर सिटिंग, इट वाज दैट द वर्ड जिसको कहीं ना कहीं वो रेस्क्यू किया था जब वो स्नैक के जंगल में जब फंसी हुई थी, जिसको रेस्क्यू किया था, द सेम वर्ड्स वाज दैट. तो क्या होता है, इट सैट ऑन द थैच एंड सैंग अ सॉन्ग ऑफ थैंक्स टू द फैमिली ऑफ द यंगर ब्रदर. वो कहीं ना कहीं उस फैमिली के लिए उस थैंक यू सॉन्ग, एक तरीके से एक वैसे चहचहाना चहचहाई फॉर सेइंग थैंक यू टू हिज फैमिली ऑफ उसके यंगर ब्रदर की जो फैमिली, उसको थैंक यू बोलने के लिए. Then it circled the youngest brother's house, और इस younger brother's के house को कहने का circle किया. Circle मतलब उड़ते हुए circle किया, एक circle बनाया. 3 times and dropped a large seed into the earth.
और फिर क्या, एक बहुत बड़ा सीड उसके अर्थ पे ड्रॉप किया, नहीं छोड़ दिया। एज द फैमिली वॉच, जैसा कि फैमिली देख रही थी, फैमिली ने देखा, एज द फैमिली वॉच, जैसा कि जो यंगर ब्रदर की फैमिली ने देखा, अ रूट इमर्ज फ्रॉम द सीड, एक रूट क्या था, एक जड़ उसमें से इमर्ज हुआ, इमर्ज मतलब उत्पत्ति होना, एक तरीके से इमर्ज किया, एक इमर्ज मतलब आना, ओके, एक रूट इमर्ज फ्रॉम दैट। ठीक है, द स्टार्विंग फैमिली वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज होता है, आपको सेवन चैप्टर में एक वर्ड मीनिंग में शायद लिखाया गया होगा, अभी भेजा नहीं गया, लिखाया गया है, चला जाएगा। The starving family was in astonishment. जो starving family यानी भूख से मर रही, भूख से तड़प रही, जो family थी, वो बहुत ही आश्चर्य वाली नजरों से देख रही थी। As the seed became a vine in front of their very eyes, जैसे कि वो seed क्या, seed क्या था? एक बड़ा सा seed जब वहाँ पे नीचे गिरा तो कहीं ना कहीं एक front उनकी आँखों के सामने एक बड़ा सा अनाज के रूप में यानी roots उसमें हुआ, फिर उसके बाद धीमे-धीमे stems जो आपका shoot of the प्लांट्स होता है वो धीमे धीमे उगने लगा, तुरंत तुरंत इमीडिएटली द वाइन ग्रोज एंड ग्रो, ये वाइन में से एक होता है एक तरह बेल यानी पत्ती यानी शाखाएं निकल के आने लगे थे। द वाइन ग्रू एंड ग्रू, जो शाखाएं थी जो यानी शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स था वो बढ़ता ही गया, विद इन मिनट्स कुछ ही मिनटों में वो बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया, एंड स्प्रॉटेड डार्क ग्रीन मेलन्स विद एन आवर, और एक घंटे के अंदर ही वो एक तरीके से स्प्रॉटेड डार्क ग्रीन मेलन्स, they were ripe and ready to pick, एक तरीके से वो किस रूप में रेडी हो गए, डार्क ग्रीन melons, melons means क्या होता है, melons तर खरबूजा, बताइए शानुका, खरबूजा, watermelons वगैरह पढ़ते हैं, तो watermelon तो तरबूज है, yes, तो green melons within an hour, जो वो आपका वो बेल था एक तरीके से यानी छोटे से बेल्स के रूप में, वो एक बड़े से मेलन्स है ना खरबूजे के रूप में, एक डार्क ग्रीन मेलन्स के रूप में वो विद इन आवर में रेडी हो गया, एंड दे वर राइप एंड रेडी टू पिक, और वो कटे एक तरीके से उसको कटाई करके कटे भी हुए थे, उसको तोड़ा भी गया था और वो रेडी टू पिक यानी एक तरीके से इस कंडीशन में था कि उसको उठाया जा सके, लिया जा सके। तभी क्या होता है, फादर फादर मे बी ईट अ मैजिक मेलन, तभी द हंग्री चिल्ड्रन क्राइड, जो हंग्री चिल्ड्रन था यानी जो यंगर ब्रदर का जो बच्चा था उसने चिल्लाया, उसने पूछा, फादर फादर पिताजी पिताजी मे बी ईट अ मैजिक मेलन, यानी मैजिक से यानी चमत्कार से उगे हुए खरबूजों को क्या हम खा सकते हैं। द यंगर ब्रदर लॉफ्ट विद जॉय, जो यंगर ब्रदर था बहुत हंसी मतलब जॉय यानी हैप्पी बहुत ही हर्षोल्लास में हंसा, एंड कट अ मेलन ओपन, और मेलन को ओपन किया यानी कट किया। बिसाइड्स हिम हिज वाइफ गैस्प्ड इन अमेजमेंट, जो उसकी वाइफ जो थी वो भी कहने की अचंभित थी, उसकी वाइफ भी कहने की अचंभित थी इस अमेजिंग चीज को देखते हुए। फॉर द मेलन्स वॉज फिल्ड विद गोल्ड स्पाइन एंड स्पिल, जो मेलन था जब उसने काटा ओपन किया तो क्या पाया, फॉर द मेलन वॉज फिल्ड, इट वॉज फिल्ड विद द गोल्ड क्वाइंस एंड स्पिल टू द ग्राउंड ऑल अराउंड देयर फीट, और एक तरीके से वो गोल्ड क्वाइन से भरा हुआ था, एंड स्पिल टू द ग्राउंड ऑल अराउंड, स्पिल मीन्स क्या होगा, एक तरीके से जो गोल्ड क्वाइन था जब उसको गिरना तो अंदर अंदर उसको गोल्ड क्वाइन था तो गिर गया, सर गिर जाना सच में, उसके फीट के पास यानी ग्राउंड उस जमीन पे उसके पैरों के आसपास एक तरीके से पूरे गोल्ड क्वाइन बिखर गए, गिर गए। दे कट ओपन अनदर मेलन, फिर उसने दूसरा खरबूजा उठाया, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस टू, ये भी एक तरीके से गोल्ड क्वाइन से ही भरा हुआ था, एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस अराउंड देम, और वहां पे बहुत सारे यानी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस थे, यानी सैकड़ों खरबूजे थे, और सभी खरबूजे में सोने से भरा हुआ था, क्वाइन से भरा हुआ था, काश हम लोग को भी ऐसे ही एक मिल जाता, किसको किसको चाहिए। द यंगर ब्रदर एंड हिज फैमिली वर रिच बियॉन्ड their wildest dream, they bought a big house, land, had a good food four times a day, and had all the luxuries they could wish for. The younger brother tha and uski family
वर रिच बियॉन्ड द वाइल्डेस्ट ड्रीम, जितना भी उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा अमीर हो गए. दे बॉट अ बिग हाउस, उन्होंने बहुत बड़ा घर खरीदा, लैंड जमीन खरीदी, हैड गुड फूड 4 times a day, और अच्छा खाना मतलब उनको मिलने लगा कम से कम 4 times a day. जहाँ पे भूख से तड़प रही फैमिली थी वहां पे दिन में 4 बार खाना मिलता था, वो भी अच्छा खाना. अच्छा खाना मतलब जो भी वो चाहते थे. एंड हैड ऑल द लग्जीरियस दे कुड विश फॉर, और सारी लग्जीरियस लाइफ, सारे शौन शौकत आराम, जो भी उन्होंने विश किया, जो उन्होंने सोचा था या चाह, सभी उनको मिले. When the elder brother heard of his brother's good fortune, और ऐसे में जो elder brother था, जो बड़ा भाई था, जब उसने इस अपने छोटे भाई के good fortune, यानी उसके fortune means क्या होगा? Luck. भाग्य. भाग्य हाँ. जो जो elder brother ने अपने छोटे भाई के भाग्य के बारे में, यानी good fortune के बारे में, जब सुना, he was filled with the jealousy. वो बहुत ही जलन से भर गया. और ऐसे में क्या किया उसने? He started combing the lands around his village. और उसने अपने घर के, अपने गांव के आसपास, he started to combing the land. Combing means क्या होगा? एक तरीके से अपने lands वहां पे ही, एक तरीके से अपने गांव के आसपास वो combing करना शुरू कर दिया, यानी एक तरीके से खुदाई करना शुरू कर दिया, जिससे उसको भी खरबूजे मिले. Looking for his own magic bird. ऐसे में कॉम्बिंग करना, यानी अपने गांव के आसपास के जो लैंड्स पे, यानी टहलना, यानी इधर उधर घूमना एक तरीके से कह सकते हैं. सो दैट वो अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग करने लगा, टहलने लगा. लुकिंग फॉर हिज ओन मैजिक बर्ड, और अपने खुद अपने वाले मैजिक बर्ड्स की तलाश करने लगा. आफ्टर मेनी मंथ्स, कई महीनों के बाद, ही फाइनली स्टम्ब्ड अपॉन अ लिटिल बर्ड विद अ ब्रोकन लेग. कई महीनों बाद उसे एक ऐसी बर्ड्स मिली जिसका पैर टूटा हुआ था, वो मिला. He picked it up, उसने उसको उठाया, and saying, I will help you little bird, मैं तुम्हारी मदद करूंगा छोटी, little bird. The little bird stared up at him with wise eyes. जो little bird था, थी, उसने वो जो elder brother था उसकी आंखों में, जो उसके चालाक आंखों में देखा. Seeing through the fake sympathy, और उसके आंखों में क्या देखा उसने, जो fake sympathy थी उसको देखा और पहचाना. When the bird's leg healed, जैसे ही birds की जैक, when the bird's leg healed, it flew to the eldest brother's house. जैसे ही उसकी मतलब जो birds की leg सही हुई, पैर सही हुई, ये flew, it flew to the eldest brother's house, जो elder brother के house से वो उड़ गई. Circling it 3 times and dropping a seed into the soil. जैसे यंगर ब्रदर के पास हुआ, उसके घर को सर्कल करते हुए सीड्स वहां पे भी गिराया नीचे जमीन पे. द एल्डर ब्रदर वॉच द सीड्स ग्रो इनटू अ वाइन, हिज आईज शाइनिंग विद द ग्रीन. द मेलन स्वेल्ड एंड स्वेल, दे विल वर 3 times एज लार्ज एज अ नॉर्मल मेलन. द एल्डर ब्रदर वॉज डिलाइटेड. ऐसे में क्या हुआ, जब उड़ गई, जैसे यंगर ब्रदर के पास 3 times आपने सर्कल किया था, सीड गिराया था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी सीड गिरा, कुछ ही देर में वो फिर बड़ा हो गया, और वहां पे भी बहुत सारे मिलियंस, बहुत सारे खरबूजे हुए, और जो खरबूजे थे वो 3 गुना ज्यादा, जो नॉर्मल खरबूजे से करीब 3 गुना ज्यादा बड़े थे. ऐसा देख करके जो एल्डर ब्रदर वाज डिलाइटेड, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया. He picked the largest melon and cut it open, expecting to find gold. To his surprise, a huge mass of missing snacks fell to the ground. He struggled and stepped away. He picked up another melon and had to dodge out of the way. As a huge colony of rats scampered in every direction before he could cut open a third melon, the magical melons became overripe and began resting on their own. Spiders, ants, termites, bees, and all kinds of frightening creatures started invading the house and the yard. Within an hour, the elder brother's property was completely destroyed. बेटा केवल 2 मिनट बचे, ऐसे में जल्दी में मैं फिनिश कर रहा हूँ. होता क्या इस पैराग्राफ में ये बताया कि जैसे ही वो बड़े भाई ने उस खरबूजे को ओपन किया, तोड़ा, तो उसमें से गोल्ड कॉइन के बजाय उसमें बहुत सारी मतलब ऐसे क्रिएचर्स निकलने लगे जो उसका नुकसान पहुंचाने वाले, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकलने लगे, इंसेक्ट्स, यस सर, इंसेक्ट्स, बहुत 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 बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकलने लगे. और ऐसे में क्या किया, वो धीमे धीमे ऐसे मैजिकल क्रिएचर निकलने लगे कि वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी नष्ट कर दिया. रन अवे, जो एल्डर ब्रदर था वो भाग लिया. ही वाज पुअरर देन हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई से भी वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया. जितना उसका छोटा भाई गरीब था उससे भी ज्यादा ये गरीब हो गया.
ही वांडर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज बेगिंग फॉर फूड. वन डे वो इधर उधर गांव गांव टहलने लगा फूड के लिए खाने के लिए भिखारियों की तरह मांगने लगा. व्हाइल बेगिंग द ही सॉ हिज यंगर ब्रदर स्टैंडिंग अ फ्यू फीट अवे होल्डिंग अ प्लग. ही शेड द एल्डर ब्रदर लुक्ड डाउन अंटिल द ब्लेड ऑफ द प्लग लैंडेड ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिज फूड. ऐसे में होता क्या है वो भिखारियों की तरह जब खाना मांगता है घर घर जाके खाना मांग रहा है वो अपने छोटे भाई से मिला एक जगह थोड़ी दूर खड़ा था और ऐसे में वो शर्मिंदगी बस अपने भाई के पास गया और बोला आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग मैं सब कुछ भूल मैं खो चुका हूँ. आई हैव नाउवेयर टू गो एंड नथिंग टू ईट. आई वोंट ब्लेम इफ यू सेंड मी. मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है ना ही कहीं पे जाने के लिए. अगर आप मुझे वापस भेज दें तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि मैंने ऐसा किया है. ही फेल्ट अ जेंटल हैंड. तब तक छोटे भाई ने क्या किया अपना जेंटल हैंड उसके सर पे रखा और कहा कम ब्रदर द प्रॉस्परस फार्मर सैड लेट अस प्लांट अ न्यू क्रॉप टुगेदर फॉर व्हाट वी सॉ बी सैलरी. आइए भाई मतलब उसने छोटे भाई ने बड़े भाई के सर पे हाथ रखा और कहा कि चलिए भाई हम लोग साथ में मिलकर खेती करते हैं. किसके लिए जो जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे इसके लिए हम लोग साथ में मिलकर खेती करते हैं. द एल्डर ब्रदर लुक्ड अप विद द टीयर्स इन हिज आई. जो एल्डर ब्रदर था अपने छोटे भाई के आंखों में मतलब उस एल्डर ब्रदर के आंखों में आंसू आ गए और अपने छोटे भाई की तरफ देखा एंड एक्सेप्टेड द प्लग फ्रॉम द यंगर ब्रदर. और जो छोटे भाई की तरफ से जो भी मतलब ये आग्रह किया गया उसको एक्सेप्ट किया. और इन दिस वे दिस इज हाउ द स्टोरी इज एंडिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को भी स्टोरी पसंद आई होगी.